ये वीडियो सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी के दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए अपने बच्चों को ऐसे लोगों से सावधान रखने की एडवाइस दी जा रही है। सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर संतोष चौहान ने ये वीडियो ऐसी ही एक एडवाइस के साथ ट्वीट किया। वहीं और भी कई राइट विंग फेसबुक पेजेस ने ये वीडियो पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। मिस्र के अरबी पोर्टल ने 28 जून को इस वीडियो के बारे में खबर पब्लिश की थी। आर्टिकल में ये घटना मिस्र के सोहाग शहर की बताई गई है। साथ में बताया गया है कि ये वीडियो मनगढ़ंत है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुबई की वेरिफाइड यूट्यूब चैनल अल अरेबिया ने 30 जून को इस घटना का वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो अच्छी क्वालिटी में है। इस रिपोर्ट में वीडियो में दिखने वाले 2 लोगों के बयान भी है, जिसमें बुर्का पहने शख्स का बयान भी मौजूद है। इस मामले में और जानकारी जुटाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने मिस्र के पत्रकार होसम एल हेंडी से बात की। उन्होंने कहा कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। बुर्का पहने आदमी के बयान को ट्रांसलेट कर होसम ने बताया कि खलाफ अब्दिल रहीम अब्दिल आल नाम के इस व्यक्ति ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया था। उसने ऐसा फेसबुक से पैसा कमाने के इरादे से किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया और वायरल दावे का खंडन किया है। कुल मिलाकर मिस्र में एक बच्चे के अपहरण का स्क्रिप्टेड वीडियो भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया।